दोस्तों नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक एक क्लिक कर दीजिए प्लीज। दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों जैसे तैसे इतने महीनों के इंतजार के बाद कपिल का नया शो शुरू हुआ था। देश के लोगों ने क्या क्या सोचा था, क्या क्या सपने देखे थे कि भाई कपिल का शो शुरू होगा, सब लोग मिलके बैठेंगे, सब लोग एक साथ हंसेंगे, कितना अच्छा लगेगा। और क्या हो गया दोस्तों, कपिल ने कॉमेडी को उस लेवल पर पहुंचा दिया है कि अब उससे अगर थोड़ी सी भी कम कॉमेडी होती है ना तो फीका सा लगता है। और यही बात कपिल के खिलाफ चली गई। खैर तब भी ठीक था, लेकिन भसड़ फिर शुरू होने लगी और कुछ दिनों से तो कपिल के शो बंद होने की खबरें भी आने लगी। कहा जा रहा है कि कपिल के एटीट्यूड और लगातार शूट कैंसिल होने की वजह से मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है। अब दोस्तों कोई शो शुरू हो और शुरू होने के मात्र 3 एपिसोड के बाद ही बंद हो जाए तो अच्छा लगेगा क्या? आखिर रेपुटेशन भी तो कोई चीज होती है ना। अब चैनल फंस गया, क्या करें? शूटिंग कैंसिल हो तो लाखों का नुकसान, और शो बंद करें तो रेपुटेशन डाउन। तो सोनी चैनल ने बड़ा स्मार्ट आइडिया निकाला। तो दोस्तों अब बताया जा रहा है कि कपिल का शो बंद नहीं हो रहा है बल्कि 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। इसी वजह से अप्रैल में कोई भी शूट नहीं होगा। अब शो का कोई शूट नहीं होगा तो मतलब सीधा सा है कि अप्रैल में कोई भी नया एपिसोड टेलीकास्ट भी नहीं होगा। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस को शो के करीबी सोर्स ने जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कपिल के शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा का अप्रैल में कोई भी शो टेलीकास्ट नहीं होगा। और इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है कि कपिल की तबीयत खराब है, इसीलिए लगातार शूटिंग कैंसिल हो रही है। इसके साथ ही सोर्स ने बताया कि कपिल के नए शो के पहले एपिसोड को पुराने शो की तरह पसंद नहीं किया गया। केवल टीआरपी चार्ट में जगह जरूर मिली लेकिन दर्शकों को ये उतना पसंद नहीं आया। अब मेकर्स चाहते हैं कि कपिल थोड़ा सा आराम करें ताकि जब वो वापस आएं तो उसी जोश के साथ आएं जैसे कि पहले आया करते थे। दोस्तों इस मामले में कपिल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है, जो लोग मेरा करियर बर्बाद करना चाहते हैं वो चाहे जितनी झूठी अफवाहें फैलाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये नया नहीं है। उन्हें जब तक ऐसा करने से संतुष्टि मिलती हो तब तक उन्हें ऐसा करने दिया जाए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। दोस्तों जब उनसे शो के सस्पेंड होने के बारे में पूछा गया तो कपिल ने बताया, मेरा चैनल सोनी पूरी तरह से मेरे साथ खड़ा है। अभी तक मैंने जिनके भी साथ काम किया उनमें से सोनी चैनल के मिस्टर एनपी सिंह और मिस्टर दानिश असलम सबसे ज्यादा सपोर्टिंग है और उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। खैर ये तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि जैसा शो शुरू होने से पहले बताया गया था कि कपिल अपना ट्रीटमेंट कराकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और अब वो अपना नया शो लेकर आने वाले हैं, तो क्या इस नए शो को मिले खराब रिस्पॉन्स की वजह से कपिल दोबारा डिप्रेशन में चले गए और इसी वजह से वो शो में इंटरेस्ट नहीं ले रहे? और अगर ऐसा नहीं है तो खराब तबीयत होने के बावजूद उन्होंने नए शो को शुरू क्यों किया? उनको पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए था जिसके लिए उन्होंने द कपिल शर्मा शो से ब्रेक लिया था। तो दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि क्या 1 महीने बाद कपिल का नया शो वापस आएगा या फिर द कपिल शर्मा शो की तरह ये शो भी बंद हो जाएगा। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।